हेलो गाइस, वेलकम टू द ध्रुवराज ब्लॉग्स। आज हम आए हैं इंदौर के फेमस जगह यानी दशहरा मैदान। और दशहरा मैदान में रावण भी बहुत समय से बन रहा है, बहुत सालों से बन रहा है। मैं भी छोटा था जब से ही यहाँ पे रावण देख रहा हूँ, और कोरोना की वजह से इस बार बहुत छोटा रावण बना है। तो आप पीछे देख रहे हैं, और मैंने व्यू भी दिखाऊँगा मैं आपको इस रावण में कैसा बना है, क्या बना है। और इस बार 30 से 31 फीट का रावण बनाया है, नहीं तो हर बार 108 या 111 फीट का रावण बनता है। पूरे इंदौर में सबसे बड़ा रावण यही बनता है। गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरे इंदौर में सबसे पहला रावण यही बनता था, और एकमात्र रावण यही बनता था दशहरा मैदान में। इंदौर वाले रहते हैं तो इंदौरियों को मालूम होगा, और अब जगह जगह लोगों ने प्रथा चालू कर दी है। यहाँ पर भी पूरा रावण और रावण का स्वर्ण भवन बनता था, ये आप पीछे देख रहे हैं। यहाँ से पूरी बनता था, पर कोरोना की वजह से इस बार कुछ ज़्यादा पब्लिक नहीं आ पाएगी, इसलिए इस बार रामलीला भी होती थी तो वो भी नहीं होगी। और बहुत ही ठंडा माहौल पड़ा है दशहरा को लेकर। सो गाइज, अब यहाँ के आयोजकों से हम बात करेंगे कि क्या रावण कैसा बनता है, कितने दिन से चालू होती है इसकी प्रथा, और कब से चल रहा है वगैरह, सब चीज़ बात बताएंगे। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, थैंक यू। सो गाइज, अब मैं यहाँ के रावण दशहरा मैदान के रावण के आयोजकों से आपकी बात कराऊँगा, कैसा बनता है सब पूरे बताएँगे, तो बताइए। दशहरा महोत्सव समिति द्वारा इस दशहरा मैदान के रावण का निर्माण किया जाता है, और इस समिति के जो पूर्व जो संयोजक थे आरसी सलवाड़िया, बनवारीलाल यादव, श्री वल्लभ शर्मा जी के द्वारा ये 50 वर्ष पूर्व इस समिति ने यहाँ पर रावण दहन करने का निर्णय लिया, और तब से वही समिति आज तक इस रावण का दहन करते चली आ रही है। अभी वर्तमान में हमारे सभी दादा हैं, परमेश्वर जी खंडेल वाले हैं, हमें मिंडा जी हैं, इसके संयोजक हैं अभी सत्यनारायण सलवाड़िया, महामंत्री हैं नारायण सिंह यादव, विजय यादव, से सब जुड़े हुए हैं। और इस समिति अपने में से ही लोगों से ये इसका निर्माण करती है, और हम किसी से इसमें 2 रुपया भी का भी किसी से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं। कल शाम को 7 बजे इसका दहन होगा, और ना यहाँ कोई आतिशबाजी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मुँह पर सबके मास्क होगा, और प्रशासन के जो भी नियम होंगे उस नियमों का हम पालन करेंगे। तो आपने देखा कि अभी हमने आपसे बात करवाई, और सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना को लेकर भी बहुत ही पालन कराएंगे, और कल 7 बजे रावण का दहन होगा। तो प्लीज़ आप आएँ और पालन करके, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन करके यहाँ पे आएँ, और पूरा रावण दहन होते हुए देखें। तो जय श्री राम एक बार, और लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, धन्यवाद।